yes, and we won! Yes, yes, and we won! Yes, yes! इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। हर बार देखने को यही मिलता है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, कभी यूनिवर्सिटी के बाहर नारे लगाते हुए नज़र आते हैं, कभी प्रेस क्लब के बाहर नारे लगाते हुए नज़र आते हैं, कभी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगाते नज़र आते हैं, और कभी कभी VC के ऑफिस के बाहर बैठ के ही धरना लगा लेते हैं। कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए धरने लगाए जाते हैं, कभी मास प्रमोशन के लिए, कभी फ़ीस कम करने के लिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का स्टूडेंट है, क्या वो हमेशा प्रोटेस्ट करता ही नज़र आएगा, क्या हमेशा वो प्रोटेस्ट ही करता रहेगा, या उसको कोई वक्त भी मिलेगा, या वो अपने लिए वक्त भी निकालेगा कि वो अपना फ्यूचर जो है वो बना पाए, उसकी तरफ बढ़ पाए। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर हम मौजूद हैं। पीछे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो जम्मू यूनिवर्सिटी का गेट जो है वो पीछे से बंद किया गया, और आप पीछे देखेंगे थोड़ा जूम करके तो कुछ बच्चे हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने दरवाज़ा बंद किया है, टोटली ब्लॉक किया गया है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह होगी कि आज जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और साथ साथ ये भी चीज़ कि पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसको अंदर से बंद किया गया है, टोटल ब्लॉक कर दिया गया, और ना कि सिर्फ ये गेट बल्कि जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए जितने भी गेट हैं हर तरफ से ब्लॉक किया गया है। तो इस बार मुद्दा क्या है स्टूडेंट्स का, ये जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेश बख्शी, लॉ स्टूडेंट। आज क्या हो गया महेश जी कि आपको दरवाज़ा बंद करना पड़ा, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो इस बार आप लेकर आए हैं? मैम, मुद्दा कोई नया नहीं है, मुद्दा पुराना है और बड़ा ही बेसिक मुद्दा है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी शर्म नहीं आती कि कोरोना काल में जहाँ एक प्रोफेसर की तनख्वाह 2.5 लाख है, 3 लाख है, नौ महीने तक प्रोफेसर, नॉन टीचिंग, सिक्योरिटी, सभी इम्प्लॉइज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर सबको पूरी पूरी तनख्वाहें मिली हैं, सबको 2.5-2.5 लाख तनख्वाह, 1.5-1.5 लाख तनख्वाह। जब कोरोना काल के बाद हॉस्टल हमारा थोड़ा सामान्य हुआ, जब बच्चे यहाँ पर रहने आए, और ये निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों के दरवाज़ों पे रात को 8-8 बजे खटखटाती है और बोलती है बाहर आओ और 9-9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये फ़ीस दो, जो उस सेशन की फ़ीस मांग रहे हैं जो कोरोना काल में हॉस्टल के बच्चों के कमरों के बाद ताले लगे थे। कहते हैं जनरेटर की फ़ीस दो, मेस की फ़ीस दो, जो कमरे बंद हैं उनकी सफाइयों की फ़ीस दो। वो क्योंकि कोरोना में तो हमने देखा कि सारे यूनिवर्सिटीज़ बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो हॉस्टल की फ़ीस और ये जिस तरीके से आपने कहा कि मेस की फ़ीस और जनरेटर की फ़ीस, इसका क्या ताल्लुक समझ नहीं? मैम, यही तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये लोग 55 जिस किसी की एज है, किसी की 60 साल एज है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी विश्वविद्यालय में दे दी, और यही वो प्रोफेसर्स हैं, नॉन टीचिंग के लोग हैं जो पहले यहीं पे स्टूडेंट थे, यहीं पे स्कॉलर बने, फिर यहीं पे इन हॉस्टल्स में रहते हैं। क्या ये बच्चों की मजबूरी नहीं समझते? एक बेसिक थिंग, एक किसी अनपढ़ को भी आप बोलोगे ये चिप्स यहाँ पड़ा है, मैंने खाया नहीं, ये उठाया नहीं, मुझे बोला जाएगा इसके पैसे दो, अरे भाई किस बात के पैसे दे? और इस बात को लेकर डीन स्टूडेंट वेलफेयर को मेमोरेंडम भी दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि गलत है लेकिन अपना स्टेप रिवोक नहीं करती, अभी तक बच्चों को हरास किया जाता है रात रात को आकर। क्या एडमिनिस्ट्रेशन मान चुकी है कि गलत स्टेप हमने लिया है? बिल्कुल मैम, मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि वो ये फीस बच्चों की जायज़ नहीं बनती, पर इस पर कार्रवाई कोई नहीं की जाती, और अंततः तक हार कर गेट बंद करने की नौबत आई है। वरना इतनी गर्मी में यहाँ बैठे हैं, सुबह से भूखे बैठे हैं यहाँ पे बच्चे, 8:30 बजे से हॉस्टल से बच्चे यहाँ पर आए हैं, बाकी स्टूडेंट भी आए हैं, भूखे आए हैं, किसी ने यहाँ पे नाश्ता तक नहीं किया हुआ, इनको कितनी फिक्र है उसकी। और सुबह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण शर्मनाक बात हुई है कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ के कुछ पोस्ट होल्डर्स यहाँ पर आकर बच्चों को धक्के मारते हैं, उनको माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, और 70 से 100 बच्चे थे और वो अकेले आदमी ने यहाँ पर अपनी हाथ पीछे कर यहाँ पर स्टूडेंट्स का धक्का मुक्की किया, फिर भी किसी भी स्टूडेंट ने उनको रिवर्ट बैक नहीं किया, किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि इन छोटी छोटी डिमांड्स के लिए जो कोरोना काल के दौरान हॉस्टल की फिर हमने हॉस्टल का कोई यूज़ नहीं किया, एक छोटी सी डिमांड के लिए बच्चों को अगर सड़कों पर आना पड़ेगा तो देर लानत है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या पहले आपने VC से बात करने की कोशिश की बहुत नॉर्मल तरीके से कि ये मसला है हमारा, इसको किसी तरीके से हल किया जाए, बिना बात की फ़ीस ली जा रही है? क्या आपने प्रदर्शन करने से पहले क्या आप गए VC के पास?
मैम अज तू ठीक 15 दिन पहले सारे वाइस चांसलर को गए थे डीन स्टूडेंट वेलफेयर के सामने भी ये मुद्दा पेश आया था कि बच्चें की ये दिक्कत आवा दी है ये ऊपर अगर 8 महीने हो ये बंद पेदा हॉस्टल तो कड़ी फीस दस तुम कि फीस मंग रहे जनरेटर की फीस और कि जनरेटर जो जनरेटर यूनिवर्सिटी रेगुलर लगा दी होंगे उल्ले नहीं चलते तो कोरोना काल जो 8 महीने बच्चे घर बैठे थे हॉस्टल बंद तुम जनरेटर की फीस दी है डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी मनता है कि यह जी नजायज़ फीस मंगा दी एडमिनिस्ट्रेशन पर जुले कार्रवाई करने की गल आती तो पिछे हटी जाते सारे ए जड़ा ये मुद्दा है स्टूडेंट्स का हूँ ये आखिरी है ये आखिरी स्टैप है साढ़ा ये थकी हारीए गेट बंद करने की नौबत आई है हूँ जुले तोड़ी बच्चे की गल नहीं सुनोग सुनवाई नहीं होग इस साड़ी गल लिख चु यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सानू नहीं देग तो इतू उठने का तो सवाल के पैदा नहीं होंगे। अच्छा सवेरे कुछ होया सी इत्थे जदों तुसीं प्रदर्शन करदे पे सी कोई बाहरों अंदरों आया कोई तुहानू कुछ कहण वास्ते? तुस देखो एडमिनिस्ट्रेशन की कारस्तानी इन्हें जुले दिखा कि बच्चे सारी आर्गनाइजेशन इकट्ठी होई गईयां गेट बंद करी उड़े दा ते इन्हें नॉन टीचिंग दे अपने कुछ गुंडे भेजे वह गुंडे इधर आइए एक बंदा नॉन टीचिंग स्टाफ भेजिया कि नॉन टीचिंग जिस तरह तुसी कहंदे पे जी नॉन टीचिंग का के बंदा हा उहदा नाम ही हुण इस टाइम दिमाग च नहीं आवा दा इत्थे गेट उपर आया ते बिट्टू अमित नाम उहदा हुणे बच्चे सुनाया धक्के मारे शरेआम साढ़े बच्चे माँ भैन दी गालां कड्डियां एक नॉन टीचिंग इंप्लाई की क्या औकात है इत्थे आइए के उहदी तफीक है कि बच्चे इत्थे आइए गालां कड्डे किस के राइट है क्या वाइस चांसलर सुत्ते दा क्या उहने वीडियो नहीं देखी उस बंदे उपर सानू लिखित कार्रवाई चाहिए है लिखित कार्रवाई अगर एक 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 गल होर जम्मू यूनिवर्सिटी का मेन गेट पहली बार स्टूडेंट बंद नहीं किया पहली बार तो बंद नहीं हो नॉन टीचिंग वाले भी अपनी स्ट्राइकां करते हैं सिक्योरिटी वाले भी करते हैं सारे एक दूसरे का समर्थन करते हैं अज अगर बच्चे गेट बंद किया तो तेरे ढिड गया पीड़ होई वै तू इतने आइए दाड़े मार लगे स्टूडेंट की उदो पर कार्रवाई चाहिए जी मुख्य तौर पर साड़ी डिमांडा हॉस्टल दियाँ वो सॉल्व करन ते अस इतू उठी आगे जब तक साढ़े मूल मुद्दे हॉस्टल के जेड़े सॉल्व नहीं होगन तो इतू तो उठने का सवाल के पता नहीं होगा। अच्छा मैंने एक गल दसो इस वेले कोई अंदर गए वी सी को गल करने वास्ते साड़ी कमेटी के त्रै बंदे उपर भेजे दिन वो गल कर गए हैं उन्हें साफ आखे का साफ इंडीकेशन हैं बैठे रहे स्टूडेंट की तरफा कि अगर साड़ी सारिया डिमांडा पूरी करगन ते उठी आयो नहीं करगन ते चुपचाप गेट दे मुंह पर बंद करिए बाहर आइए ते जिस तरीके नाल तुसी प्रदर्शन इत्थे करदे पे नज़र आंदे पे हो जे ते तुहाडी अगे गल नहीं मन्नी गई ते तुसी फिर अगे तुहाडा स्टेप की होएगा वो दसो गेट बंद रहो गेड़ियां जां बंद देर तक जिन्नी देर तक डिमांड नहीं मनते मैडम जी मैं अपने घर का ही थोड़ी डिमांड मंगा ना मैं थोड़ी आखना मैं रेंट उपर उन्होंने मेरी फी मेरी घर की फीस माफ हो हॉस्टल है ये सरकारी इंस्टीट्यूशन है वाइस चांसलर का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थोड़ी है जुले मन किता फीस बढ़ाई जुले मन किता एक करीडा जुले चीज़ यूज़ नहीं की सरकारी इंस्टीट्यूशन है UGC की गाइडलाइनस है कि जो नहीं यूज़ करो खाली नहीं लो बच्चों को पैसे तो ये ढिड गया पीड़ होंगी है मैं लगा शायद जो करोना वायरस इकानमी का लॉस देश की होगा तो सेंटर की तरफ इस भी कोई गाइडलाइन है तो इकानमी है थोड़ी पूरी करनी है तो 20 रुपये 50 रुपये लगा साढ़े को पैसे पूरे करने इकानमी देखे सिंपल डिमांड है साफ डिमांड है पूरी नहीं होग तो धरना इतों नहीं चुको। तो आपने साफ साफ सुन लिया कि बच्चों का कहना है कि हमने हर बार प्रदर्शन किया VC से बात करने की कोशिश की बातें भी मानी गई लेकिन आज मुद्दा जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है कि उन चीज़ों की फ़ीस ली जा रही है उन जैसे कि कोरोना काल में आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जब चल रहा था तो लॉकडाउन था सारे स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ बंद था उस दौरान किस बात की हॉस्टल फीस जो है वो चार्ज की जा रही है ये इन बच्चों की डिमांड है कि जब हॉस्टल के दरवाज़ों पर ताला लगा था उस ताले की भी क्या हमसे फ़ीस वसूली जा रही है क्या वो जनरेटर जो कभी आम दिनों में भी नहीं चला क्या उसकी फ़ीस हमसे वसूली जा रही है। तो आखिरकार अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर कब तक नज़र जो है वो दी जाएगी और कब तक इन बच्चों का मुद्दा जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी।